नमस्ते दोस्तों, आज हम मानसिक आरोग्य के बारे में बात करेंगे। मानसिक आरोग्य क्या होता है? जैसे कि हम सब जानते हैं, अपना मन अपने शरीर का सारथी होता है। जैसे हम विचार करेंगे, शरीर वैसे कार्य करेगा। इट मींस लाइक आवर थॉट्स सो विल बी आवर एक्शंस। पर आज के दौर में हम ये कॉमनली सुन रहे हैं कि हमें बहुत स्ट्रेस है। छोटे छोटे बच्चों को भी सुनते हैं कि हमें स्ट्रेस है, बहुत मानसिक तान तनाव है, हमें बहुत मानसिक टेंशन है। हमें क्या होता है ये स्ट्रेस, थोड़ा सा बात करेंगे इस पर। स्ट्रेस हर किसी का सेम नहीं होता। जैसे व्यक्तिमत्व है वैसे उसका स्ट्रेस। हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार के स्ट्रेस को अलग अलग प्रकार का रिएक्शन देता है। किसी के लिए स्ट्रेस छोटी सी बात हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के लिए बिजनेस में लॉस होना स्ट्रेस हो सकता है। वही किसी के लिए बिजनेस में एक अच्छे मुकाम तक नहीं पहुंचना स्ट्रेस हो सकता है। वही तीसरे व्यक्ति के लिए बिजनेस में अपना नाम खराब होना या अपना पोजीशन चले जाना, अपना फेमस ही चले जाना, वो स्ट्रेस हो सकता है। और कई अनेक प्रकार के स्ट्रेसेस हैं। किसी के लिए समाज में रिस्पेक्ट न मिलना स्ट्रेस हो सकता है। किसी के लिए घर में रिस्पेक्ट न होना स्ट्रेस हो सकता है। किसी के लिए प्रेम भंग होना भी स्ट्रेस हो सकता है। और किसी के लिए अपने रूप का लेकर, अपनी सुंदरता को लेकर भी स्ट्रेस हो सकता है। स्ट्रेस की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग है, इसीलिए हर व्यक्ति के लिए बीमारी आने वाली भी अलग है। बिकॉज अपना मन शरीर को रिएक्ट करने पे मजबूर कर देता है। जो भी हमारे लाइफ में बैलेंस्ड नहीं है, जो भी हमारी इच्छाएं हैं, हमारी चाहते हैं, वो एक लेवल तक पूरी नहीं होती तो हमें स्ट्रेस हो जाता है। और हम देख रहे हैं कि ये स्ट्रेस अलग अलग बीमारियों को बना रहा है, बॉडी में, शरीर में अलग अलग बीमारियों को निर्मित कर रहा है। डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, संधिवात, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसे कहते हैं, अस्थमा, छोटे छोटे बच्चों में पढ़ाई का स्ट्रेस, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, जैसे कि उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए या बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी है या कॉन्सेंट्रेशन प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, या फिर स्किन की प्रॉब्लम्स है जैसे सोराइसिस है, बीमारी है ऑटो इम्यून डिजीज SLE है, बालों में एलोपेशिया होना, ये सारे डिजीज जनरली स्ट्रेस से उत्पन्न होते हैं। और कई सारे बीमारियां भी हैं जो स्ट्रेस से बाहर आती है। और जैसे हमने अभी देखा कि स्ट्रेस हर व्यक्ति के लिए अलग होता है, हर व्यक्ति को स्ट्रेस को देखने की परिभाषा अलग होती है, देखने का नजरिया हर व्यक्ति का स्ट्रेस का अलग होता है। ये ऐसे अलग अलग टाइप के स्ट्रेसेस इतनी सारी बीमारियों को हमारे बॉडी में निर्मित कर रहा है। और स्ट्रेस बॉडी के इम्पोर्टेंट हार्मोन कोर्टिसोल को ट्रिगर करता है, जो बाकी सारे हार्मोन्स को काफी कंट्रोल करता है। तो आज हमने जाना कि स्ट्रेस बॉडी को किस तरीके से हानि पहुंचा सकता है। अगली बार हम जानेंगे कैसे इस स्ट्रेस को हम कम कर सकते हैं, कैसे स्ट्रेस से अपनी बॉडी को बचा सकते हैं, कैसे मानसिक आरोग्य हम अच्छा रख सकते हैं। तो जुड़े रहिए।